इश्क ही तो है, चाहे किसी से भी हो। अब इसमें मेरी गलती क्या कि मुझे इन पहाड़ों से हो गया। बस सुकून मिलना चाहिए, वही जरूरी है। नाजा चकरी के मारे नाजा। Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world अच्छा, अभी हम रुके हैं यहाँ पे। रात के तकरीबन 3 बजने वाले हैं। ढाई तो पीछे हो गए थे, 3 बजने वाले हैं। और ये छोटा सा ढाबा है, इस अंधेरे में नजर तो नहीं आएगा। और चाचू की लाइटनिंग बहुत स्टेडियम वाली लाइटनिंग है। और चाय शाय के लिए रुके हैं। बस देखो, अभी नरान है, आगे 95 किलोमीटर दूर है। अभी तो बालाकोट भी नहीं पहुँचे हम। अच्छा, अभी हम यहाँ पे रुके हैं ब्रिज के पास, तकरीबन कागान पहुँचने वाले हैं, कागान। और ठंड शुरू हो गई है हल्की हल्की, बल्कि काफ़ी ज़्यादा। और ये हमारे दोस्त यहाँ सारे कच्चे पहन के आए हुए हैं, इनको अब पता लग रहा है। इनको हमने बताया भी था कि भाई हल्के में नहीं लेना, ठंड ज़्यादा होगी। बाकी ये है कि हल्की हल्की ये चाशनी शुरू होगी दिन की। आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकल रहा है। हाँ, ब्रिज है एक बड़ा खूबसूरत सा पीछे मेरे, वो पीछे अभी हम नरान पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 5-1 मिनट का सफ़र रह गया, 5-10 मिनट का। और उसके बाद जाके नाश्ता करेंगे ज़बरदस्त, क्योंकि भूख लगी है। हमारे शेख साहब देखे अभी से लेस खोल लिए। शेख साहब भूख लगी है, ये हमारे ड्राइवर को भी बड़ी भूख लगी है। अच्छा, तो इधर हम नाश्ते के लिए रुके थे, तो नाश्ता तो यहाँ पे अभी बिल्कुल तैयार हो रहा है, आंडियाँ चढ़ाई हैं। तो इस वजह से हमने कहा थोड़ा आगे जाके कहीं ब्रेक मारते हैं। बाकी ये है कि यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू था पीछे का, मैं आपको ऐसे फुटेज दिखाता हूँ यहाँ। फाइनली हम पहुंच गए हैं बेसल रेस्टोरेंट। बड़ी मुश्किल से मिला ये भाईजान, नाश्ता लेके आ रहे हैं, ऑर्डर किया है। ये हमारे जवान ताकार के ड्राइवर हमारे, अच्छे ये जितने भी आए थे ना काचे पहन के, इन सारों ने जैकेट निकाल ली गाड़ी। अब नाश्ता वाश्ता करेंगे, यहाँ से फिर आगे की तरफ जाएंगे लुलू सर, फिर उसके बाद बाबू साहब, फिर चिलास, और उसके बाद हमारा रायकोट ब्रिज। फिर आगे बड़ी लंबी कहानी आपको बताएंगे। फिलहाल यही है कि नाश्ता करें, दिखा के सब कुछ बहुत दबा के भूख लगी। जगह तो कमाल की, ये रेस्टोरेंट बहुत, वैसे भी बहुत खूबसूरत है। ये बेसल का रेस्टोरेंट है, मून रेस्टोरेंट। अच्छा, आप लोगों को अगर मैं दूधी पत्सर के बारे में बताऊँ ना, तो ये बिल्कुल इसी होटल के पीछे से रास्ता जाता है।
यहाँ से, आप यहाँ से होके अगर जाएंगे ना इधर नीचे इस हाईएस के पीछे की तरफ से जाएंगे तो आगे एक लिफ्ट सी आएगी, उससे आपको ये छोटा सा दरिया है, उसको दरिया तो ना कहें, ये जो पानी गुजर रहा है इसको क्रॉस करना होगा। उसको क्रॉस करके आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये दो पहाड़ों, इन दो पहाड़ों के दरमियान से, मैं अगर इसको फोकस करके दिखाऊँ आपको, ये इन दो पहाड़ों के दरमियान से रास्ता जा रहा है और ये बस सीधा जाएगा। तकरीबन 8-9 घंटे की हाइकिंग है, उसके बाद दूधीपत सर्किट ट्रैक आता है, इंतहाई वन ऑफ दी मोस्ट डेंजरस हाइकिंग मेरी लाइफ की वो ये वाली थी। तो दूधीपत सर को जो रास्ता है वो इधर से जाता है बेसल से। यहाँ आप आके इधर रेस्टोरेंट्स, पीछे रेस्ट हाउसेज भी हैं, यहाँ पे आप रह भी सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। और ये कुछ होटल्स हैं, यहाँ से आप खाने या फिर ये स्मून रेस्टोरेंट से खाना वाना खा के तो सामान शमान बांध के तो आप ऊपर की तरफ निकल गए। लुलू सर से हम निकल गए हैं, बेसल से निकले हैं, लुलू सर पहुँच गए हैं और बाबू सर की तरफ दबा। और ये झटके आ रहे हैं क्योंकि रोड ख़राब है। अभी रोड दिखाते हैं आप, ये देखें ये रोड ख़राब है इसलिए झटके आ रहे थे। सामने पहाड़ और ये है जी लुलू सर आपकी, आपकी ये देखें मेरी लुलू सर। ये है जी बाबू सर के सीन, बादल ही बादल, बदल ही बदल। अभी बड़ी मुश्किल से हमें बाबू सर से छोड़ा है, आगे चिलास के कहीं पे ने, चिलास से आगे रायकोट ब्रिज तक क्या नाम है, 2-3 जगह से लैंडस्लाइडिंग हुई भी थी, फिर कुछ गाड़ियां आई थी तो और साथ उनको कॉल शॉल आई है, फिर उन्होंने हमें यहाँ से जाने दिया है। यहाँ जो बाबू सर टॉप पे जो चेक पोस्ट है, ये बाबू सर टॉप है और बादल साथ साथ हम बादलों से ऊपर हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान की बेस्ट स्पॉट्स में से आता है, चेक करें जी चेक करें। 15 महीने खुलते हैं पागल, ये है पैसे इसके, जो जिनेजो भाई कहते हैं ना पैसे इसके, इसी के तो पैसे हैं। उन रेस्टोरेंट ने अपनी रवायत काम रखी है, यहाँ से आते हुए भी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी, ठीक है वैसे अच्छा है। मून रेस्टोरेंट हमारे तजिया निगार पीछे बैठे हैं, डॉक्टर राफे अब्दुल राफे, हाई टेक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जी। डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब आप और कोई विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं बाबू सर टॉप के बारे में? अभी ये है कि रायकोट ब्रिज से थोड़ा पीछे लैंडस्लाइडिंग की वजह से ब्लॉकिंग होगी, इसकी वजह से यहाँ चिलास या मोड़ है वहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं भेज रहे। अब ये है कि अब हमने यही सोचा है कि अगर यहाँ इस होटल में रुकेंगे, इस होटल में थोड़ा टाइम गुजारते हैं ब्लॉकेज खुलने तक, अगर ब्लॉक खुल जाता है तो निकल जाएंगे आगे, क्योंकि आज तो हम, आज हमारा था कि आज हम पेरीमेड रोड पहुँच जाते हैं, लेकिन अब तो मुश्किल ही है। अब या तो यहाँ रात गुजरेगी और अगर ब्लॉक खुल जाता है फिर हम आगे गिलगित में कहीं पे जाके स्टे करेंगे। अगर 7-8 बजे तक खुल जाता है उससे पहले तब हम चले जाएंगे, अगर उससे देर होती है ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा अगर देर लगती है तो फिर हम इसी होटल में ही रुक जाएंगे। बस ये है कि भारी होगी लेकिन होटल ठीक है, हमने यहाँ पे चाचा जी से उनसे बातचीत कर ली। अभी शाम हो गई है, नींद वगैरह पूरी कर ली हमने
और हम आगे चाय शाय पीने के लिए निकले हैं। ओ छोटे ब्रो, इसको देख क्या खा रहा है, ग्लास खा रहा है। अब ये है कि हम जरा चाय वगैरह पीने जा रहे हैं। मैं होटल छोटे मिल गए, जिसके मोबाइल पे सारे डिपेंड करते हैं। इसका हमने एसकॉम्स की सिम लेके हमने पैकेज करा दिया इस पे 10 GB का। अब ये समझ ले पट्टा है, जहाँ ये जाएगा सारे वहीं जाएंगे। सामान रख दे भाई, ये अब्दुल राफे। वैसे मैंने आप लोगों को अपने न्यू ट्रिप फेलोज से नहीं मिलाया, ये अब्दुल राफे हैं ब्रश मारते हुए। ये शेख सलमान बिन अबू उज़ैफा, क्या नाम है तो पूरा नाम आपका। ये उज़ैफा छोटे भाई हमजा, और इसको तो आप जानते ही हैं, ये बंदा पुराना है, ये ड्राइवर हमारा। अभी हम आए थे यहाँ पे, हमने कहा थोड़ी टाइम पास के लिए क्रिकेट शिरकेट खेल लें, और ये सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, मुझे तो बल्ला पकड़ने भी नहीं आता सच्ची बात। जो चलो देखते हैं, अभी इसके भी शॉट्स डालते हैं आपको, क्रिकेट दिखाते हैं मेरी क्रिकेट कैसी है। ये फास्ट बॉलर और अभी ये छोटी सी टीम जा रही है, अभी जाके देखते हैं कि हमें कोई ग्राउंड मिल जाए, नहीं तो हम यही रोड की। हमारे पास रिसेंटली एक ओवरसीज ट्रॉफी भी मौजूद है लाहौर की, लाहौर जाके हम लोग टूर्नामेंट, ये चैंपियन है लाहौर की, हम लोग बॉल घुमाते दूर दूर जाके लोगों से टूर्नामेंट्स खेलते हैं, यू नो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। अभी हमें ग्राउंड मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमें इधर उधर ही कहीं मैन ऑफ द मैच इन फाइनल, कहीं ना कहीं मैन ऑफ द मैच इन फाइनल उज़ैफा शेख। उज़ैफा शेख अभी ये लाहौर से एक टूर्नामेंट जीत गया,